मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आदिवासियों के एक महान नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांध के अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी धरती के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन वह ऐसे महान अधिनायक थे, ऐसे महान नायक थे जिनके नाम पे बाद में झारखंड की स्थापना होती है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भूमि संबंधी बदलाव से आदिवासियों में असंतोष था। जब अंग्रेज भारत में थे उस टाइम पे वो ऐसे काम कर रहे थे जो आदिवासियों के खिलाफ थे। जमींदारों के प्रभाव में आदिवासियों की जमीनें छिन रही थी और वे अपनी जमीन पर मजदूरी करने को विवश हो रहे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सरदारी आंदोलन शुरू हुआ जिसने बाद में कुल गुलाम का रूप ले लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक नौजवान ने किया। कौन था वो नौजवान जिसकी उम्र में लोग विवाह करते हैं, जिस उम्र में लोग विवाह करते हैं, नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं और नौकरी प्राप्त होने के बाद खुश हो जाते हैं, उसी उम्र में एक ऐसा नौजवान जो अंग्रेजों के खिलाफ सेल की तरह दहाड़ रहा था, जिसने आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांध के अंग्रेजों के खिलाफ कुल गुलाम यानी क्रांति की शुरुआत की। ऐसे ही आदिवासी बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको जो उनके संघर्ष की कहानी है वह बयान करने जा रहा हूं। जो